बारिश हो रही है और मौसम सुहाना हो गया है। गर्मी और उमस से लोगों को राहत जरूर मिली है। गांव के तमाम एक अलग अलग जगहों पर यहां पर पानी भरा हुआ है, चाहे 56 से 57 को देखा जाए तो जिस तरीके से वहां पर पानी भरा हुआ था, बरसात होने के बाद गुड़गांव के अनुमन इस तरीके के हालात देखने को मिले। तो आधा अगस्त बीतने को है लेकिन देश के कई हिस्सों में हालात अब भी बेहद खराब हैं। पहाड़ से लेकर मैदान तक मूसलाधार बारिश से लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। पहली तस्वीर हम आपको पहाड़ों की दिखाते हैं जहां लगातार लैंडस्लाइड का सिलसिला जारी है। वहीं हिमाचल, उत्तराखंड, बिहार और यूपी की नदियां उफान पर है और रिहायशी इलाकों में पानी घुसने से शहर में जल जमाव के हालात है। इन हालात के बीच जिंदगी की जंग जारी है और जगह जगह रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। आसमानी स्ट्राइक से निकला पहाड़ों का दम, तरकते पहाड़ जिंदगी पर लगा ब्रेक, कुदरत की विराश लीला से जूझती जिंदगी, पलक झपकते ही पूरा का पूरा पहाड़ थरथरा कर नीचे आ जाता है। कुछ देर पहले तक यहाँ जो सड़क नजर आ रही थी वो मलबे के ढेर में गायब हो चुकी है। ये तस्वीरें उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग की हैं, जहां सावन के महीने में बाबा केदार के भक्तों की भीड़ यहां कूच कर रही है, लेकिन लगातार बारिश से पहाड़ सरेंडर कर रहे हैं। अब केदार घाटी की दूसरी खौफनाक तस्वीर देखिए, यहां भीम अली के हेलीपैड के ठीक सामने की पहाड़ी पर लैंडस्लाइड हुआ। लैंडस्लाइड की ये लाइव तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई। जैसे ही पहाड़ दरक कर आया तो मंदाकिनी नदी का पानी मटमैली झील में तब्दील हो गया। बहुत आ गया। मौसम की इस मनमानी और उफनती मंदाकिनी के तेवर को देखते हुए गौरीकुंड से रुद्रप्रयाग तक अलर्ट जारी कर दिया गया है। केदारनाथ सड़क यात्रा बुरी तरह प्रभावित हो चुके हैं, दोनों तरफ लोग फंसे हुए हैं। आज MI-17 की मदद से केदारनाथ में फंसे श्रद्धालुओं का सेना ने रेस्क्यू ऑपरेशन किया और फिलहाल सेना का ये ऑपरेशन जारी रहेगा क्योंकि अभी भी केदारनाथ मंदिर में कई और श्रद्धालुओं के फंसे होने की खबर है। केदार धाम की तरह बद्री विशाल के दर्शन भी इस मौसम में दुर्गम हो चुके हैं। तस्वीरें चमोली में स्थित बद्रीनाथ नेशनल हाईवे की हैं, जहां पूरा का पूरा पहाड़ दरक कर सड़क पर आ गया। आवाजाही पर ब्रेक लगा हुआ है, दोनों तरफ गाड़ियां फंस गई हैं। BRO और स्थानीय प्रशासन मलबे को हटाने में जुटी है लेकिन चुनौती पहाड़ से कम नहीं। पहाड़ों पर लगातार बारिश से एक तरफ लैंडस्लाइड की मार पड़ रही है तो दूसरी तरफ उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में ये पानी उफान बनकर डरा रहा है। तस्वीरें हरिद्वार में स्थित गंगा नदी की हैं, जहां पानी का जलस्तर चेतावनी के निशान को पार कर चुका है और खतरे के निशान को पार करने पर आमादा है। उत्तराखंड में मौसम की मार के बाद दूसरे पहाड़ी राज्य हिमाचल की बेहाली भी देख लीजिए। हिमाचल प्रदेश के ऊना से भयावह बाढ़ की तस्वीर आई है। भारी बारिश के बाद सैलाब सड़क को क्रॉस कर रहा है और एक पेट्रोल पंप में दाखिल हो रहा है। बाढ़ का पानी जमीन से 5 फीट ऊपर बह रहा है और आधा पेट्रोल पंप बाढ़ के पानी में घिर चुका है। ये तस्वीर बेहद डरावनी है। अब हिमाचल के मंडी की इन तस्वीरों पर नजर डालिए। भारी बारिश और लैंडस्लाइड से सड़कों में कई मीटर तक चौड़ी चौड़ी दरारें आ गई हैं, जो दरार कम और खाई ज्यादा नजर आ रही है। ये सड़क मंडी को कुल्लू से जोड़ती है लेकिन फिलहाल बुरी तरह बाधित है और आवाजाही पर ब्रेक लगा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, Zee Media।